the form will start with phylum Brachiopoda. Okay. Brachiopoda was a very important group, and they are amongst the oldest shell walled organ. जब भी हम कहते हैं अभी जैसे अरे आगे बैठ जाओ ना, जब भी हम पिसर लोग हैं ट्राइलोबाइट के, तो जो भी हम इनवर्टिब्रेट्स देखते हैं राइट नाउ, ये सारे के सारे we all have exoskeleton, okay? We are studying about the exoskeleton. And when we deal with brachiopoda, अभी आप देखो ये नाम जो है brachiopoda, ये नाम this is derived from two words, brachium plus poda, ठीक है, brachium and poda. तो what is brachium? ये जो diagram आपको देख रहे हो picture, this is the brachium. Brachium का जो common meaning है वो है arm like. तो अगर आप ये brachiopoda को देखोगे तो normally अगर इसका brachium बाहर निकला हो तो ये ऐसा नहीं है. These are the two walls. Yes. ऐसे. ये है इसका brachium. ऐसा नहीं लगता है कि ये दो हाथ हैं. They are two arms और they are acting like foot. So arm like foot. ठीक है. अब brachium का काम क्या है वो थोड़ी देर में देखेंगे. We'll look at what is the function of brachium. But उसके पहले let us have a look at a few important things. If you look at a brachiopod, जैसे मेरे पास कुछ brachiopod के fossils हैं, this is a very common example जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. This is a derived brachiopod, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसा hold करूँ, ऐसा, तो ये किसके जैसा दिखता है? Common name बताइए. आप लोगों ने बचपन में एक बहुत ही famous cartoon देखा होगा जो किसका था? चिराग को लैम. मिट्टी के दिए जैसा नहीं दिखता है ये, देखिए या लुक एट दिस, ये देखिए ये ऐसे दर में फ्लेम जलता है. तो इसी के बेसिस पे इसको एक कॉमन नाम दिया गया, लैम शेल्स. लैम शेल्स ऐसा भी दिखता है. This is how a brachiopoda looks like. So in general world, it can be called as lamb shell. Okay. To be more specific, brachiopoda belongs to a group called as lophophorae. Lophophorae. अब lophophorae इसको क्यों कहते हैं? और ये जो group है lophophorae, उसमें सिर्फ brachiopoda ही नहीं आता है. There are four types of organisms which are included in the group lophophorae. क्या क्या है वो? They are brachiopoda. They are brachiopoda, bryozoa. They are entomophora and they are foraminifera. ये चार ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल ग्रुप्स हैं जो कि लोफोफोरेट में गिने जाते हैं. तो इधर बैठ जाइए. तो लोफोफोरेट का क्या मतलब है? दोज एनिमल्स, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव लोफोफोर इन देयर बॉडी. ठीक है, लोफोफोर इन देयर बॉडी. तो हम लोफोफोरेट किसे बोलेंगे? उन ऑर्गेनिज्म्स को जिनमें लोफोफोर हो. लोफोफोर है क्या? लोफोफोर इज द फीडिंग ऑर्गन. फीडिंग ऑर्गन, ठीक है, लोफोफोर इज द फीडिंग ऑर्गन ऑफ ब्रैकियोपोडा. जैसे हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द फीडिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग ऑर्गन इन ट्राइलोबाइट्स, याद है? हाइपोस्टोम. हाइपोस्टोम बताया था. उसी
उसी तरीके से ब्रैकियोपोडा या इन चारों में लोफो, अब लोफोफोर है क्या, हाउ डज इट लुक लाइक, तो आप ये देखो पहले वॉटर, दिस इज द ब्रैकिडियम, ठीक है। अगर मैं ब्रैकिडियम को ड्रॉ करूं, तो याद रखिएगा आप लोगों ने ब्रैकियोपोडा तो छोटे बीएससी में पढ़ा भी होगा, दैट ब्रैकियोपोड्स आर इन्वॉल्व द ब्रैकियल वॉल्व एंड द पेडिकल वॉल्व और द वेंट्रल वॉल्व एंड द डॉर्सल, ठीक है। तो जिस वॉल्व में ब्रैकिडियम होता है, द वॉल्व व्हिच कंटेन्स ब्रैकिडियम इज कॉल्ड एज ब्रैकियल वॉल्व, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं एक ब्रैकियल वॉल्व का डायग्राम बनाऊं, एंड यू कैन सी हियर दिस कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसे कहा गया क्या, दिस इज द ब्रैकिडियम, इसमें देयर आर स्मॉल सीलिया, छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसे, दीज आर द लोफोफोर, ठीक है। सो ब्रैकिडियम का काम क्या है, ब्रैकिडियम गिव्स अ बेसमेंट और इट helps to hold the lophophore. So there are two things, brachydium and lophophore. Brachydium is a coiled arm-like structure attached to the brachial wall, and the lophophore is a complex ciliated structure. Complex ciliated, cilia, cilia and flagella suna hai? Ciliated. Flagella jaise kya hai? It's a long structure, as a little flagella. Cilia has the small hair-like structures. So, when we look at the brachiopoda, the brachiopoda is one of the most successful invertebrate organism in terms of its diversity. In terms of its diversity and abundance, Brachiopoda को माना जाता था कि during the Paleozoic it was one of the most diverse and most abundant group, ठीक है? Then their first appearance of Brachiopoda, it was during Cambrian. First appearance was in Cambrian. So we can assume that the Brachiopoda, they evolved together with the Trilobites. Trilobites के साथ synchronous हैं वो लगभग एक ही समय के। The first appearance of Brachiopoda is during Cambrian. Trilobites got extinct by Permian, but Brachiopoda are still continuing. Not all, but a few. अभी which time during Cenozoic the diversity of Brachiopoda is reduced. Brachiopoda की diversity कम हो गई है. Still they are extant groups. Around 250 species are also yet known today. ठीक है? A very famous example of Brachiopoda is Lingula, which is a living fossil. Lingula is a type of Brachiopoda which is living fossil. आप living fossil का मतलब समझते हैं? How can you define a living fossil? What is the meaning of? और किसी living fossil का नाम जानते हैं? Invertebrate में Nautilus is also a living fossil, ठीक है? तो बताइए, what is the meaning of this word living fossil? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि Lingula is a living fossil और Lingula originated during Cambrian, Middle Cambrian, तो Middle Cambrian से लेकर के आज तक वो Lingula जिंदा रहेगा? उसकी species है। स्पीशीज जिंदा रहेगी तो उसको लिविंग फॉसिल क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लिविंग फॉसिल? देखिए, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द ऑर्गेनिजम्स दे शो इवोल्यूशन इन देयर जीन्स, मतलब जेनेटिक्स, इन देयर डाइवर्सिटी, इन देयर मेनी हैबिट्स। लिविंग फॉसिल टर्म इज यूज्ड फॉर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच शो नो और वेरी लिटिल इवोल्यूशन। आपको समझना चाहिए दैट इंडिविजुअल अलग होता है, पॉपुलेशन अलग होता है और स्पीशीज जो है वो अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक Lingula 500 मिलियन ईयर्स बैक इट वाज बॉर्न तो वो आज भी जिंदा, ऐसा नहीं है। बिकॉज़
the life span of an individual, जैसे what is the average life span of a human being, Homo sapiens, एक आदमी के लगभग 70 years, but we owe our existence to last 250 किलो years, या शिवालिक्स के टाइम से आप देखेंगे ना, शिवालिक सुपर ग्रुप में आपको मिलते हैं Homo sapiens के एग्जांपल, तो जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो Homo sapiens स्पीशीज 2.5 million years की जो हिस्ट्री है evolution of human beings, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 2.5 million years back and a man who was born will still continue to live, no. So there is a difference between the life of an individual population and a species. So when we are talking about the living fossil, we are talking about their genus and species, not an individual. So living fossil term is used for those organisms which show very little or no evolution in their genetic characters. So, जब genetic character नहीं change होगा, तो उनके lifestyle, like habits भी नहीं change होगा, ठीक है? Then the Brachiopoda, any problem? So the man evolution started from not evolution, that period is not period, that place in Neanderthal or like that. So, what is your question actually? First you clarify your question, okay? Don't ask just the question for sake of asking questions. The question should have some doubt in it, okay? What are you trying to ask? I still have not understood. Anyways, so the Brachiopoda, they were entirely marine, exclusively marine. You will not find example of a Brachiopoda which is non-marine. Of course, they could vary from intertidal zones to abyssal depth. Okay, so the habitat of Brachiopoda, it varied from intertidal zones to abyssal depths. Matlab, they were shallow as well as deep dwellers. Okay? Shallow as well as deep dwellers. And they were specifically benthic communities. Ye jo hai na, they were benthic communities. Benthic. Benthic ka matlab hai, they used to live on the sea bottom. Could not swim. Uska reason hai, why they could not swim. So first, let us look at the general morphology of the brachiopods. Okay, and jaisa ye, I fully erase this. Jaisa ki maine aapko shuru mein hi bataya that the brachiopoda, it is an organism which has an exoskeleton. So unlike trilobites where we had three lobes, yahan par do valves hai. Here there are two valves. So let us look at the two valves, how they look like and what are their characteristic features. When we look at the Brachiopoda, there are two valves which cover the soft parts, soft body parts. These soft body parts, they include the heart, the digestive system, the reproductive system, the shell muscles, many things. Okay, now importantly, brachiopod ke alawa ek aur group hai jisme do valves hai, pellicipoda. Kya hai wo group? Pellicipoda, bivalvia, theek hai, isko kai naam se bula sakte. Ab first of all, let us have a look how these two animal groups are different. Okay, bivalvia or brachiopoda ek dusre se kaise alag hai, even though they both are having the two valves. So the two valves, they are found in brachiopods as well as they are found in the pellicipoda. Pellicipoda ka aur bhi naam hai bivalvia. और क्या है? लैमिनेट. हाँ, लैमिनेट.
नहीं है। अब आप इधर देखिए, मैंने इसको नाम दिया बाई वॉल, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रैकियो। एक छोटी सी चीज विच इज अ फन, मैं अगर बोलता हूं बाई वॉल एंड बाई वॉल, इन दोनों वर्ड्स में क्या क्या अंतर है? बाई वॉल एंड बाई वॉल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? कॉमन सेंस लगाइए। सर नाउन एंड वॉल। हां नाउन एंड वॉल, व्हिच इज नाउन? बाई वॉल। बाई वॉल एंड व्हिच इज वर्ब? बाई वॉल। ये वर्ब कैसे है भाई? वर्ब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बाई वॉल्ड इज एन एडजेक्टिव, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दो वॉल्स हैं, और बाई वॉल्ड इज अ नाउन। सो इवन अ बाई वॉल्ड के लिए भी हम बाई वॉल्ड टर्म यूज कर सकते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, मेनी अ टाइम यू विल गेट द वर्ड्स लाइक बाई वॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ब्रैकियोपोडा इज अ बाई वॉल्ड ऑर्गेनिज्म, कंफ्यूज कर रहे हैं तो ब्रैकियोपोडा को भी बाई वॉल्ड कह रहा है, नहीं, इट इज बाई वॉल्ड, ठीक है। सो bivalve, और इसलिए बेटर है कि आप पेलेसीपोडा या लैमेली ब्रैंकिया टर्म यूज करिए। सो bivalve और पेलेसीपोडा इट बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का, ठीक है, व्हाइल ब्रैकियोपोडा इटसेल्फ इज अ फाइलम। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ ब्रैकियोपोडा एंड अ पेलेसीपोडा, ठीक है। सो if we draw the diagram of a common diagram of a brachiopoda, it would look somewhat like this. This is how a general brachiopoda would look like. Okay? Why? If we look at a pelecypoda, it would look somewhat like this. Doesn't have lophophore. Last attempt करो. Lophophore option. Where is lophophore? Can you see the lophophore is inside the shell, not outside the shell. Okay, I'll tell you. People cannot guess it. Bilateral symmetry. And it does not have bilateral symmetry. ये पहला difference. First basic difference. क्या? That brachiopoda, when we say all, इसका मतलब है, of course there are a few exceptions, है exception, but in general the brachiopoda they have bilateral symmetry. क्या मतलब है bilateral symmetry का? दो सारे vertebrae ऊपर bilateral symmetry का मतलब है you cut a body from between the two are mirror images of each other, यही, but this is in equilibrium.
size, unequal walls, unequal walls. Why? Most of the bivalve, except this griffin hai, pygrea hai, except these, almost all of them have equal walls. Equal matlab equal in size. So, how do you define the brachiopoda then? That a brachiopoda shell is inequivalent and equilateral or bilaterally symmetric. So we can write a brachiopod shell as inequivalent. Why inequivalent? Because the walls are unequal in size. Inequivalent but equilateral. Equilateral. Equilateral kyun bola? Kyunki they are showing a bilateral symmetry. While bivalves they are equivalent, while inequilateral. Ab samajh mein aayi baat? Inequilateral. Theek hai? Bivalve is equivalent and inequilateral, while brachiopoda is inequivalent but equilateral. ये पहला basic difference है जिससे आप एक brachiopod और एक bivalve shell को अलग कर सकते हैं. Identification very important. Keep it in mind. Understood? All right. Now, when we look at a brachiopod shell, तो जैसे ये एक brachiopod shell है, ठीक है? अब आपको खुद दिखाई दे रहा है कि इसमें ये वाला wall जो है, ये वाला, this, ये बड़ा है size, ठीक है? और ये वाला wall जो है, ये छोटा है size. मैं आज bivalve लाना भूल गया, मैं आपको दिखा दूंगा next time. अब जो ये बड़ा वाला wall है, इसको हम कैसे define कर सकते हैं कि how it is named? जैसे sits in the since in the bivalve या both the walls are equal in size, तो हम bivalve के wall को नाम नहीं दे सकते, उसको हम सिर्फ right wall या left wall बोल सकते हैं. लेकिन क्योंकि brachiopoda में दोनों wall का size अलग अलग है, तो उसको हम we can name the walls. अब जैसे here Swagat and Anshuma, they are two different people, so we can name them differently. But imagine that he was a mirror image of him. तो हम पहचानना मुश्किल होता, तो हम कुछ connotation बनाते कि ये दोनों अलग-अलग हमें पहचानने हैं. So in case of bivalve, we use the terms like right wall and left wall. While in case of brachiopoda, we use the terms like. So let me draw a line diagram of this brachiopoda. Okay, 2-3 views I will draw for you. Can I erase this? This is what I am trying to show. So, can you see in this, एक wall के लिए इतना बड़ा opening है, एक hole जैसा दिख रहा है, और छोटे wall में वो opening नहीं. तो, this opening, जिस वॉल के अंदर ये ओपनिंग होती है, मतलब इस ओपनिंग का कोई तो यूज होगा ना, अभी तो ये ओपनिंग है मदर. सो दिस ओपनिंग इट इज कॉल्ड एज फोरामेन और पेडिकल ओपनिंग. पेडिकल ओपनिंग. तो अगर ये ब्रैकिपोडा का आप एक लिविंग ब्रैकिपोड का एक डायग्राम अगर हम बनाए, diagram of a living brachiopod. So how it would look like?
these are the two valves, and from this pedicle opening comes out a muscular organ, muscular star. This is called as pedicle. Pedicle. और जिस opening से ये बाहर आया उसे कहा गया pedicle opening. ठीक है, तो जिस वॉल्व में ये पेडिकल ओपनिंग है, जिस वॉल्व के अंदर ये पेडिकल ओपनिंग है, दैट वॉल्व, तो उसी वॉल्व से पेडिकल बाहर आएगा या नहीं आएगा? कैन यू गेस फॉलो दिस, कि जिस वॉल्व के अंदर पेडिकल ओपनिंग है, पेडिकल उसी से तो बाहर आएगा, राइट? तो इस वॉल्व को कह दिया गया क्या? पेडिकल वॉल्व. पेडिकल वॉल्व. अब इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट चीज यहां यह है कि नॉट ऑल ब्रैकेपोडा है पेडिकल ओपनिंग. सभी ब्रैकेपोडा में पेडिकल ओपनिंग नहीं होती, लेकिन क्योंकि जो पेडिकल वॉल्व है वो बड़ा है साइज में, इसीलिए वी यूज द जनरल वर्ड पेडिकल वॉल्व फॉर द लार्जर वॉल्व. ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? किसको समझ में नहीं आया? एक ब्रैकेपोडा के अंदर पेडिकल ओपनिंग बड़े वाले वॉल में है कि छोटे वाले? बताओ आदर्श. बड़े 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 वाले वॉल में. ये समझ में आ रहा है ना? देखो इधर, दिस इज द पर्टिकुलर ओपनिंग व्हिच इज इन द लार्जर वॉल, राइट? अब ये जरूरी नहीं है कि हर ब्रैकियोपोडा के अंदर पर्टिकुलर ओपनिंग हो ही, क्योंकि सभी ब्रैकियोपोड में पर्टिकुलर नहीं होता. ठीक, लेकिन ब्रैकियोपोडा में इन जनरल एक बड़ा एक छोटा वॉल तो होगा, तो बड़े वॉल को हम पेडिकल वॉल भी कह सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेडिकल ओपनिंग है या नहीं. तो यहीं से ये नाम आया पेडिकल ओपनिंग. ठीक, अब जो दूसरा छोटा वाला वॉल है जिससे ब्रैकिडियम बाहर निकलता है, या जिस वॉल में द ब्रैकिडियम इज अटैच्ड, उस वॉल को कहा जाता है ब्रैकियल वॉल. ब्रैकियल वॉल. ठीक है, अब पेडिकल का काम क्या है भाई? पेडिकल है ये तो बता दिया, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पेडिकल? तो दोस ब्रैकियोपोडा व्हिच हैव पेडिकल इन देम, दे कैन यूज दिस पेडिकल टू अटैच देमसेल्व्स टू द सबस्ट्रेट और टू मूव. कैसे? ये देखिए, this is a brachiopod, ये है उसका pedicle जो कि नीचे पे जाकर के substrate से attached है. this is the substrate, यहाँ पर ही attached हो गया. ठीक, now it has to come here, how it will do it? And then the hopping movement, jumping or hopping movement of the brachiopoda was achieved by pedicle. I was clear as a bell. Aage chalo. Okay. Now. ये तो है आपका फ्रंट व्यू, जिसको हम रीडिंग पोजीशन भी कहते हैं. वी कैन कॉल दिस एज रीडिंग पोजीशन, क्योंकि अगर हमने इस पोजीशन में पकड़ा जैसी ये पोजीशन है, तो हमें पेडिकल वॉल, ब्रैकियल वॉल, पेडिकल ओपनिंग, हिंज लाइन, ऑर्नामेंटेशन सब दिखता है. इमेजिन अगर इस वॉल को मैं ऐसे पकड़ लू, ऐसे, तो दिस इज नॉट द रीडिंग पोजीशन. रीडिंग पोजीशन क्या है? रीडिंग पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें आपको एक फॉसिल के सारे फीचर्स या मैक्सिमम फीचर्स दिखाई दे. ठीक है, तो व्हेन वी होल्ड इट इन सच ए वे दैट द बैक ऑफ द पेडिकल वॉल इज फेसिंग अस, तो फिर आपको नहीं दिखेगा सारा फीचर. ठीक है, सो व्हेन वी हैव टू डिसाइड द साइड्स ऑफ दिस साइड्स, तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे ये बता देता हूं. ठीक है, did you draw it? इधर तो बना दे. The
side view. Side view of a brachiopod will be this way. See? Now, you can see here that this is the pedicle wall. Hai ki nahi? Pada wala hai. This is the brachial wall. Okay? Now, whenever we study the morphology of a brachiopod shell, we have to study it in two views. Okay? Ab dekho. This side, idhar, jab bhi ek brachiopod ko, it wanted to have its food, it would open the shell this way, from here. Jaisa ki, ek diagram shayad ho raha hai. Okay. So this is how it used to open. So jidhar se khana khaya, getting its food, that is the anterior side. Theek hai? So, ye jo side hai, this becomes the anterior side. So, uska opposite kya ho gaya? Very good. Posterior side. Ab, anterior posterior mil gaya. Ye jo piche ka side hai, ye wala. This is called as the ventral side and this is called as the dorsal side. Isiliye pedicle wall ko ventral wall bhi kehte hain. Understood? So the pedicle wall is also known as ventral wall, while brachial wall is also known as dorsal. Kya to samajh mein aaya? Is it clear till here? Aage chale. Sir, those brachiopoda which don't have pedicle, are the reason of due to genetic? No. It could have been genetic, but since we are looking only at the fossils, we can assume that since they were only living on the seafloor and didn't need much to move, and they had very heavy shells, so they might not have the pedicle, therefore no pedicle. But yes, the genetics was one of the reasons. How did this genetics get into play? Because of their life habits. Okay? Change. Now, if you look at this extremely good picture of a brachiopoda, you can see that the two walls, they are joined here. Can you see that? Can you see that? This line? Yes. I have this with me. See, this is spiriform. If you look at these two walls, the same I am recreating over here. This is that view which is shown here. So, the two walls, they are joined together. The line where the two walls are joined, it is called as hinge line. Okay? So, this line is the wala line. This is the hinge line. Hinge line. Okay? Achha, wall is joined from two sides. Ek baar posterior side mein, ek baar anterior side mein. Can you see that or not? Dekhiye, the wall is joined here also and here also. Theek hai? Posterior side and anterior side. So, the line along which the walls are joined in the posterior side, ye to hinge line bol diya. The line along which they are joined at the anterior side, yani brachiopoda ke jo do walls hain, wo posterior side mein jahan par judte hain use hum kehte hain hinge line, aur anterior side mein jahan wo judte hain use kaha jata hai commissure line. This is the commissure line and this is the hinge line. Difference was there? Take it. This
line, this is the Kanishka line. This is the hinge line, this is the Kanishka. Understood? Okay. Now, so, yahan par, this would be the hinge line and this would be the Kanishka. Yahan par clear hua sabko? Is it okay? छोटा वाला ब्रैकेट वॉल्व है
तो इसमें आपको टूथ नहीं मिलेगा, इसमें इसको कंटेन करने के लिए यू विल गेट सॉकेट्स. सो द हिंजिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रैकियोपोडा इज सच दैट इट हैज सॉकेट इन द ब्रैकियल और स्मॉलर बोन एंड टूथ इन द लार्जर बोन. सो इट गोज इनसाइड दैट. ये पहली चीज. दूसरी दैट द पेडिकल वॉल और लार्जर वॉल इट हैज थ्री सेट्स ऑफ मसल्स. ब्रैकियोपोडा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अक्सर पूछता हूं दैट वी इट इज इजी टू फाइंड सिंगल सेल वॉल्स ऑफ बाइवॉल्व और पेलेसीपोडा. मतलब पेलेसीपोडा के वॉल्व आपको अलग अलग मिलते हैं फॉसिल रिकॉर्ड में, लेकिन ब्रैकियोपोडा बहुत रेयर मिलता है अलग अलग. ब्रैकियोपोडा इज फाउंड एज इंटैक्ट शेल. ऐसा क्यों होता है उसको हम देखेंगे जब हम लोग हिंजिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन द पेडिकल वॉल. क्या क्या है वो? They are the adjuster muscle, they are the diductor muscle, and they are the adductor muscles. तो आपको इसमें you will be getting three types of muscle scars, and they are the adjuster muscle scar, adjuster muscle scar, adductor muscle scar. MS का मतलब muscle scar, okay? मसल स्कार एंड द डायरेक्टर मसल स्कार. व्हाइल द ब्रैकियल वॉल्व इट हैज ओनली द अडक्टर मसल स्कार. क्या तक समझ में आया? It may also happen that brachiopoda may not have this tooth and socket. Sirf muscles ki ho sakte hain. Ab bahut common example dekhiye, lingula. This is the lingula shell. Aap dekh sakte hain ye elongated shell hai. Theek hai? Interestingly, baki brachiopoda mein tooth aur socket hota hai, lingula mein nahi hota. So on that basis we divide this into two different groups. What are they? We have the articulator and inarticulator. Okay, so the articulator articulates, the articulator is that group where the opening and closing of the shell. समझ में आ रही बात? Articulator वो group है जिसमें shell का खुलना और बंद होना. It is carried out by the muscle scar as well as tooth and socket. As well as tooth and socket. So here opening, closing. By tooth and socket and muscles. While in inarticulator, it's only the muscles which do the opening and closing, they lack tooth and socket. Okay? So on this basis, there are three subphyla. Kya kya? Articulator mein we have the Rinconelliformian. Rinconelliformian. While here we have two subphyla. Linguliformian. Linguliformian and Craniformian. Craniformian. ठीक है? तो you can see here that the arrangement of the shells, it is of three different types: Linguliformian, Craniformian, and Rinconelliformian. So Linguliformian or Craniformian, ye dono ke dono, they are specifically inarticulators. Inarticulates. Or Linguliformian, they are articulate. So what does this mean? That all the Linguliformians, they say
This is a this is a Rinconelli formian. This is a Rinconelli formian. These are Rinconelli formians. Okay. This is a Rinconelli formian. Yani all those brachiopoda which have opening and closing of walls with the help of tooth and socket and the muscles, they will be classified under Rinconelli formian. While the inarticulate group has two subphyla. Linguli formian, iska example hai lingula, kyunki still is living fossil. Aur dusra hai craniformian. So craniformian aur linguli formian ke beech mein basic difference ye tha that the linguli formian they have elongated shells, aisa lamba shell hota hai. Elongated shell. This is how a lingula looks like. Okay? Aur yahan par and yahan sir inka pedicle bahar aata hai. ठीक है, while a craniformian is like the shape of a skull, ऐसा, this is how it looks like, so it has the muscle scars here. Craniformian is an extinct group, अब नहीं मिलता, while linguliformian they are extant. Linguliformians they have their shells made up of phosphates, apatite, they are made up of calcium carbonate. ये basic difference है. यहां तक समझ में आया सबको? एनी कंफ्यूजन फिर में आया? क्रैनिफॉर्मियन. क्रैनिफॉर्मियन का शेप कैसा है? इसका लिंगुली फॉर्मियन का शेप लंबा है, elongated है, इसका शेप जो है wide है, एक skull के जैसा, ठीक है? ये इसमें भी tooth and socket नहीं होगा, इसमें भी नहीं होता, इसका जो shell है, वो organophosphatic material का बना होता है, इसका shell calcium carbonate का, ये differences, ठीक है? We are more inclined towards studying the function, morphology and life habits rather than going through these details, but ये आपको जानना चाहिए, okay? So if we look here in this picture, आपको ये दिख रहा है? ये concentric lines. These are the growth lines जिसको हम ornamentation भी कहते हैं. तो if we look at the various brachiopod shells, we will see that some of them have a smooth shell, some of them are heavily ornamented. Heavily ornamented. जैसे ये shell आपको देखने में relatively smooth लग रहा है. It has a smooth surface. While if you look at this shell, ये देखिए, it does not have a smooth surface. Okay, इसको diagram दिखा. ये देखिए, this is relatively smoother. ये देखिए. It is heavily ornamented, but ऐसा नहीं है कि इसमें ornamentations नहीं है. There are ornamentations, there are growth lines, but they are fine. While here, they are see how thick they are. तो अगर इसको हम draw करते हैं, तो it would look somewhat like this. These are ribs, okay? These are ribs, while these are the growth lines, okay? कुछ में यही ribs मोटी हो जाती हैं, they may get thicker. So you end up getting a pointed ratio. ऐसा. ये देखिए. You following it? पिछले वाले केस में you could see that the commissure line is smooth. है ना? दिख रही है?
ऑफ़ लाइन ये स्मूथ है वायर इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी दैट द कमिश्योर लाइन इज नॉट स्मूथ इट इज पॉइंटेड ठीक है पॉइंटेड का मतलब है ये आपको टूथ लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है दिखा रहा है कि नहीं इट इज शोइंग डेंटेड स्ट्रक्चर सो व्हाई डिड दिस चेंज टेक प्लेस व्हाई डिड दिस चेंज अच्छा ये जो ग्रोथ लाइन है ये कैसे बनती है देखिए वी ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग हम लोगों ने जब ट्रायलोबाइट पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था इट हैज गॉट थ्री फेजेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन क्या है वो जो डेवलपमेंट फेजेस थे याद है इन ट्रायलोबाइट्स व्हाट वर द थ्री फेजेस ऑफ डेवलपमेंट कीप ऑन फॉरगेटिंग लाइक दिस कौन लोग टू हेल्प अभी दो एक हफ्ते पहले तो पढ़ाया Imagine that this is the shell, this is the wall, okay? Here is smooth hair, see? If this is smooth, it means that this ke upar zyada pressure nahi dala jayega. But now look at this shell. It has now developed ornamentations. And the strength of the shell has increased because the folds, the thickness, you can check it. आप उस पेज को चेक करो इस पेज को चेक करो दिस पेज इज सीम्स इट इज इट हैज मोर स्ट्रेंथ एंड दैट स्मूथर शेल जो चिकना शेल है उसकी स्मूथनेस इस ऑर्नामेंटेड शेल की तुलना में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी इसका मतलब यह है कि जो वाटर प्रेशर है ये ज्यादा वाटर प्रेशर को झेल सकता है वो कम वाटर प्रेशर को सो वी कैन ऑल्सो इमेजिन दैट द वैक्यूम द शेल्स व्हिच हैव व्हिच आर हाईली ऑर्नामेंटेड They could be shifting their habitat towards deeper water. समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इसके ही साथ नहीं, ये लगभग सभी ऐसे ऐसे shells के ऊपर है, जो जिनके अंदर ornamentation या sutures आ रहा है, ठीक है? So this question is asked: What is the first formed part of a brachiopod shell called? Protegulum. So the protegulum, it
slowly secretes the shell material. वॉटर से ही जिस वॉटर में रहता है सलाइन वॉटर उससे ही शेल मटेरियल ये बनता है और वो कैसे साइज में बढ़ेगा विल सी। याद तक समझ में आया सबको कि जब हम ब्रैकियोपोडा को पढ़ रहे हैं हमने इतनी सारी चीजें इसमें देखी तो हमें एक चीज और आ गई। इफ आई लुक एट अ ब्रैकियोपोडा व्हिच हैज अ स्मूथ कमी श्योर लाइन एंड अ ब्रैकियोपोडा व्हिच हैज अ डेंटेड कमी श्योर लाइन so which would be more beneficial? जैसे देखिए एक मैं टेरेब्रेशन आपको दिखा रहा हूं which has got a smooth commissural line ये और मैं एक आपको रिंगोनेला दिखा रहा हूं which has got a dented or pointed commissural line। ठीक, अब ये दो कमिश्योर लाइन कैसे हेल्प करती है या व्हाट इज द बेस। सो कमिश्योर लाइन का काम क्या है? सिंस द ब्रैकियोपोडा हैज टू ईट इट्स और गेन इट्स फूड एंड वाटर इट ओपन्स एट द एंटीरियर साइड ऑफ द कमिश्योर लाइन। अगर मैं ड्रॉ करूं ब्रैकियोपोडा टू ओपन इट ये है इफ लेट अस से दैट दिस इज द ब्रैकियोपोडा with its pedicle valve और ये है उसका brachial valve, ये it has opened it itself and this is how food and water go inside। पहली चीज़ ये और यही अगर एक yes को हम बेहतर डायग्राम से बनाते हैं अच्छा डायग्राम ये होगा। चेंज क्या हुआ? स्मूथ कमिश्योर से डेंटेड कमिश्योर। सो दिस इज प्रिमिटिव दिस इज एडवांस्ड। ओके, याद है समझ में आ गया? नाउ अब आप देखो यू आर सीइंग ब्रैकियोपॉड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये देखिए एक दिस प्रोडक्टस वेरी कॉमनली फाउंड कैम्ब्रियन पैलियोजोइक ब्रैकियोपोडा प्रोडक्टस स्क्लीपर टेरेब्राचुला रिंकोनेला ऑर्निथेला कॉन्चीरियन एट्राइपा। ओके, इतने सारे आपने देखे। यू कुड इजीली सी दैट ऑल दीज ब्रैकियोपोडा हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। यस और नो? सर सर
ओके दिस इज कॉन्चिडियम, ये आप लोग प्रैक्टिकल में करना है. दिस इज कॉन्चिडियम. यू कैन सी हाउ थिकली कॉन्वेक्स इट इज. इट्स अ बाइकॉन्वेक्स शेल, राइट? है कि नहीं? ऐसा बाइकॉन्वेक्स. देन यू हैव दिस लिंगुला विच इज एन इलोंगेट शेल, लंबा है, ठीक. देन यू हैव दिस रिंकोनेला विच इज ऑल्सो बाइकॉन्वेक्स. यू हैव दिस एट्राइपा इन विच यू कैन सी, ये दिस इज द स्मॉलर बॉल, दिस इज द लार्जर बॉल. यू कैन सी हियर दैट द स्मॉलर बॉल इज मोर कॉन्वेक्स देन द लार्जर बॉल. ये दिख रहा है ना सबको? आपको पास में सैंपल मिल जाए तो बेटर दिखेगा. देन लुक एट दिस स्फीयर, स्फीयर दिखाई दे रहा है सबको? अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है दैट वी आर लुकिंग एट विंग्स, यस सर, विंग्स के जैसा. दिस स्ट्रक्चर या इसमें भी प्रोडक्ट इसमें देखो, ये लाइक विंग्स ऐसा फैला हुआ है. सच ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एलेट स्ट्रक्चर, एलेट विंग लाइक. जब आप हेनरी वुड्स से प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्या आएगा? द स्क्रीन पर शोज एलेट स्ट्रक्चर. एलेट स्ट्रक्चर में डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज विंग लाइक, ठीक है. सो लेट अस नाउ लुक एट द शेल शेप, शेल कॉन्वेक्सिटी एंड लाइफ हैबिट्स. अल्टीमेटली हमें वही तो डिराइव करना है. This is a, ये पहला है, which is called as biconvex. अच्छा याद रखिएगा, whenever we are naming the convexity of the brachiopoda shell, तो the first word, जैसे biconvex को हम convex convex भी बोल सकते हैं, convex convex बोल सकते हैं ना? So the first word, the first word is used for ब्रैकियल वॉल, ठीक है. अगर हमने बोला कॉनकेवो कॉन्वेक्स तो विच वॉल इज कॉनकेव? ब्रैकियल, ठीक है. तो बाई कॉन्वेक्स मींस बोथ द वॉल्स आर इक्वल इन कॉन्वेक्सिटी. बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बहुत सारे, बट आप इसका एग्जाम्पल टेरे ब्रैचुला याद रखिए. टेरे ब्रैचुला इट्स अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस. दूसरी जो शेल कॉन्वेक्सिटी है, जैसा मैंने आपको भी बताया था दैट द टेरेब्रेचुला है, इसमें कॉन्चिडियम, कॉन्चिडियम है, ठीक है. दूसरा मैंने आपको बताया था डॉर्सी बाई कॉन्वेक्स, डॉर्सी बाई कॉन्वेक्स. एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, एक तो दोनों वॉल्स कॉन्वेक्स हैं, बोथ द वॉल्स आर कॉन्वेक्स, बट द डॉर्सल वॉल इज मोर कॉन्वेक्स देन द वेंट्रल वॉल. तो डॉर्सल वॉल कौन सा होता है, ब्रैकियल वॉल या पेडिकल वॉल? ब्रैकियल वॉल. सो इट वुड लुक समवॉट लाइक दिस. दिस इज हाउ अ डॉर्सी बाई कॉन्वेक्स shell would look like. So this is the brachial wall, this is the pedicle wall, this is the pedicle wall, this is the pedicle. So bahut common example hai atrypa. I'll show you the picture. Atrypa. Yeah. Dekhiye.
सेल इफ इट इज गोइंग इनसाइड, ये है पेडिकल बोन, और ये वाला पोर्शन, ये इसको हमने हिंज लाइन को फ्रंट में रखा, तो दिस इज द पेडिकल वॉल एंड दिस इज द ब्रैकेट या वेंट्रल वॉल बस. यू कैन सी योरसेल्फ दैट द डॉर्सल वॉल इज हाईली कॉन्वेक्स देन द वेंट्रल. Then comes the next one, plano convex. Plano convex. So if I say plano convex, so which wall will be showing a planar structure? Very good. Brachial wall. So it looks somewhat like this. नाम भी आपको याद रखना होगा एक, ठीक है. इसके बाद आता है, इसमें एक और एग्जांपल आता है प्रोडक्टस, बट प्रोडक्टस शोस वन मोर कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स. सो इफ आई से कॉनकेवो कॉन्वेक्स, आप देखो ये है पेडिकल वॉल एंड दिस इज द ब्रैकियल वॉल, क्योंकि अंदर की तरफ इज गोइंग इनसाइड. सो कॉनकेवो कॉन्वेक्स वुड लुक समवॉट लाइक दिस. दिस इज द ब्रैकियल वॉल एंड दिस इज द पेडिकल. एग्जांपल प्रोडक्टस. एक और होता है रेज्यू पिनेट. रेज्यू पिनेट में क्या है, रेज्यू पिनेट, इन द रेज्यू पिनेट, आई डू नॉट हैव एग्जांपल ऑफ रेज्यू पिनेट, बस वो वॉल रिएक्शन नहीं है. रेज्यू पिनेट में इट स्टार्ट्स विद कॉनकेवो कॉन्वेक्स इन अर्ली ग्रोथ फेज, जब ये शुरू होता है ग्रो करना, तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, और एडल्ट फेज में आकर के ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो जाता है. द रेज्यू पिनेट स्ट्रक्चर इज दैट, जिसमें जब शेल ग्रो करना शुरू करता है तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो जाता है, ठीक है. These are the common shell convexities. Okay. इसके अलावा और भी क्या स्ट्रेस स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं. अब आप एक चीज मुझे बताओ, इन द बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हिंज लाइन. बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में हिंज लाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी. हिंज लाइन विल बी स्मॉलर and it will be curved. होगा कि देखो, जो hinge line है वो छोटी होगी और वो curved, ठीक. लेकिन जहां पर ये planar structure आ गया, जैसे productus, तो hinge line straight and long हो जाएगी. उसी तरीके से spinifer में देखिए, spinifer also has a long hinge line and allayed shape. अगर हिंज लाइन इतनी लंबी हो गई, अगर हिंज लाइन इतनी लंबी हो गई और वॉल्स को यहां से शुरू होना है ऐसा, तो क्या वो बहुत मोटे हो सकते हैं? कैन दे बी वेरी थिक? नो, दे कैन नॉट बी वेरी थिक. सो दे विल शो यू अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. देखो ये बाई कॉन्वेक्स है, बट सी द कॉन्वेक्सिटी, ऑफ कोर्स इट विल बी हैविंग लेस कॉन्वेक्सिटी
देन अ टेरेटर स्पीरिफर. क्यों? क्योंकि स्पीरिफर का जो हिंज लाइन है वो बिल्कुल लंबा और स्ट्रेट है. ठीक है, उसके अलावा आपने लिंगुला का तो अगर इसको मैं how spherical looks like. Spherical का जो ब्रैकियल वॉल्व है उसपे एक रिज होता है. ये spherical का जो ब्रैकियल वॉल्व है, ये देखिए, this is the ब्रैकियल वॉल्व, this is the रिज, मीडियन रिज बोलते हैं इसको. ठीक है, तो इस मीडियन रिज को अगर सपोर्ट करना है तो जो पेडिकल वॉल्व है उसपे एक डिप्रेशन आ जाता है, उसको हम सल्कस कहते हैं, मीडियन सल्कस. तो आप ये देखो, if you can see my light mein karta hu, can you see this structure jo utha hua hai, everybody dikh raha hai, jahan par ye utha hua hai theek uske piche dekhiye ye structure khadi hai, depression hai. So kisi bhi raised structure ko hum kehte hain ridge aur dabe hue structure ko hum kehte hain sulcus. theek hai, theek hai na. To iske alawa you have the elongate form of lingula. ye dekhiye, lingula ऐसा दिखता है. This is how lingula looks like. ये मान लीजिए दूसरा वॉल्व, ये में इसका सपोज ऐसा. Remember always that in lingula there is no tooth in socket. So the ambon portion, यहाँ पर अंबो है, यानी the posterior portion in lingula, ये आपस में कभी भी जुड़ा नहीं है. लिंगुला का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, क्योंकि ये तो एक फॉसिल है इसलिए दब गया, बट इफ यू लुक एट अ लिंगुला प्रॉपर यू विल फाइंड दैट देयर इज ऑलवेज अ गैप. ये जो बाकियों में ये ऐसा दिखता है ना स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा, यहां पे कोई गैप नहीं है, लिंगुला में ये गैप होता है. दिस गैप इज कॉल्ड एज गेपे, जी ए पी ई. और ये गेपे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टूथ इन सॉकेट. ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया? नाउ लेट अस क्यों इसे टूथ इन सॉकेट. जैसे क्या है कि अगर मान लो, जैसे सपोज एक एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाते हैं, ये एक बाइकॉन्वेक्स है जिसके हिंज लाइन में यहां पर ये टूथ है. ठीक है, और ये एक जो उसका छोटा वाला ब्रैकेट वॉल्व है इसमें यहां पर सॉकेट है, इस सॉकेट पे ये आकर के फिक्स हो गया. ऐसे फिक्स हो गया तो क्या इस यहां पर गैप दिखेगा हिंज लाइन पे? कोई गैप नहीं होगा. लेकिन मान लो इसमें टूथ नहीं है और इसमें सॉकेट नहीं है और ये ऐसे जुड़ गए, तो क्या ये हिंज लाइन कभी पास आ पाएगी? कभी नहीं आएगी. तो ये जो गैप मेंटेन हो जाता है वो उसके इलॉन्गेट स्ट्रक्चर की वजह से होता है लिंगुला में, और उसमें टूथ एंड सॉकेट नहीं होते इसलिए वो गेपे बनता है. तो इसी गेपे से इसी गेपे से ये एक पेडिकल. So, आपने इतने सारे शेल कॉन्वेक्सिटीज और शेप्स देख लिए, सो हाउ डू वी यूज देम टू स्टडी द मोड ऑफ लिविंग इन ब्रैकियोपोडा. मोड ऑफ लिविंग जानना बहुत जरूरी है. तो बिटा देता हूं, ठीक है. मोड ऑफ लिविंग की बात जब हम करते हैं तो एक चीज तो हमने शुरू में देखी, that all the brachiopoda more or less they are what? The brachiopoda more or less are benthic. benthic का मतलब वो sea floor पे रहते हैं. तो अब sea floor पे रहे, मान लीजिए this is the that sea floor, ये जो shallow portion है. some brachiopoda is living here, some is living here, some is living here, some is living here. इसमें भी क्या mode of changes आ सकते हैं? either they can burrow or go inside, यानी they could be burrowing brachiopoda. और देखो कि लिविंग ऑन दी सी फ्लोर इटसेल्फ. सो दोस ब्रैकियोपोडा व्हिच कैन मेक बरोस दे आर कॉल्ड एज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल ऐसा नहीं कि ये बरो के बाहर नहीं रहते, लेकिन जब जरूरत होती है दे कैन गो इनसाइड. एंड दोस ब्रैकियोपोडा व्हिच कैन नॉट बिल्ड बरोस एंड लिव ऑन दी सी फ्लोर ओनली, जो बरोइंग नहीं कर सकते उसको कहते हैं नॉन बरोवर्स. नॉन बरोवर्स उसको कहा जाता है एपीफॉनल. इनफॉनल वो एनिमल्स जो अंदर रहे, एपी मतलब ऊपर, ठीक है. सो इनफॉनल एंड एपीफॉनल, ठीक है. अब आप मुझे बताओ
अगर इफ लेट अस से दिस इज अ स्मॉल एरिया, ये एक बलून है ऐसा, और ब्रैकियोपोडा का कौन सा शेप, उसके शेल का कौन सा शेप सबसे इजीली बलून में जा सकता है? आपने देखे ना कितने सारे शेप देखे, इलोंगेट देखा, बाइकॉन्वेक्स, ये सब देखा, तो मुझे बताओ कि विच ब्रैकियोपॉड शेप कैन इजीली गो इनसाइड अ बलून? वेरी गुड, इलोंगेट, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्या है? अगर इस बरो में मुझे इस लिंगुला को डालना होगा और ये इस लिंगुला को और क्रेब्रेशला को डालना होगा, ये आसानी से जाएगा या ये आसानी से जाएगा? अब फिर देखो लिंगुला, लिंगुला इसलिए जाएगा ना, तो लिंगुला कुछ ऐसे बरो में करता है। देखिए लिंगुला का जो शेप है, इट अलाउज इट टू फ्रीली बरो, और ऐसा निकाला है इसने अपना पेडिग्री, ठीक। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? इट विल स्टार्ट टू रिट्रैक्ट इट्स पेडिग्री इनसाइड, थोड़ा अंदर आया और वो आगे बढ़ा, नीचे आ गया, अगेन इट विल देन सेंड इट आउट एंड मूव बैक। दिस इज हाउ लिंगुला डज बरोइंग। सो अ लिंगुली फॉर्मियन और अ लिंगुला इज स्पेसिफिकली इनफॉर्मल ब्रैकियोपोडा, इनफॉर्मल। कैसे पता? बिकॉज ऑफ इट्स इलोंगेट बॉडी स्ट्रक्चर। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा भाई, अब दूसरी बात करते हैं। जो ब्रैकियोपॉड्स बाइकॉन्वेक्स हैं, जो ब्रैकियोपॉड्स बाइकॉन्वेक्स हैं, जैसे ये कैसे रहेगा? क्योंकि इसके अंदर पेडिकल ओपनिंग है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से पेडिकल निकल करके ऐसे आएगा। This is pedicle. It will hold itself or it will attach itself on the substrate. So, brachiopods which have the pedicle opening and are biconvex in shape, they are epifaunal with attachment. Yes. So, this is infaunal lifestyle. While this is epifaunal attached. क्यों attached? क्योंकि इसके अंदर पेडिकल है, ठीक है? क्यों? समझ में आ रहा है? समझ में आ? अच्छा भाई, अगर मान लीजिए प्लेनो कॉन्वेक्स है या कॉन्केवो कॉन्वेक्स है और bi-convex without pedicle है, तो क्या होगा? It will be again epifaunal but unattached. इसे मान लीजिए ये एट्राइपा है, ये इसका, sorry, ये एट्राइपा का pedicle valve है and this is the dorsal. ठीक? अभी इतना चौड़ा है, definitely it cannot do burrowing. कर सकता है क्या? क्या burrow के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता. So it will be epifaunal unattached, क्योंकि पेडिकल नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए प्रोडक्टर्स में इस कॉन्केवो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, दिस इज द पेडिकल वॉल, इसको अगर मैं उल्टा रख दूं, इफ आई पुट दिस अपसाइड डाउन ऐसा, ऐसे करके दिस वे, इन विच दिस इज द ब्रैकियल वॉल एंड दिस इज द पेडिकल वॉल, सो इट विल अगेन बी एपिफोनल बट रिकम्बेंट, रिकम्बेंट समझते हैं ना, रिकम्बेंट फोल्ड कैसा था, दिस इज द रिकम्बेंट फोल्ड, राइट?
तो उसी तरीके से रिकम्बेंट एपिफॉनल रिकम्बेंट का मतलब ये ऐसा इट विल बी लाइक दिस सो इट कैन डू अ रॉकिंग मोशन आप अगर इसको टच करोगे इस रॉकिंग चेयर होता है ना यू टच इट एंड देन इट डज रॉकिंग मूवमेंट आई अनफॉर्चूनेटली आई डू नॉट हैव द सैंपल ऑफ प्रोडक्ट्स अदरवाइज आई विल शो यू सो एपिफोनल रिकम्बेंट इसमें मिलता है प्रोडक्ट्स क्यों मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉनकेवो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर ठीक और एक स्पीरिफर देखिए स्पीरिफर का तुम्हारे पास एग्जांपल सैंपल भी है देखिए स्पीरिफर हैज अ वेरी यूनिक मोड ऑफ लिविंग विच इज कॉल्ड एज सेमी इनफॉर्मल आधा अंदर जाता है आधा बाहर रहता है shows semi informal now मान लीजिए ये एक बरो है ठीक है और स्क्रीफर का ये जो elongate test hinge line है ये जो elongate hinge line है ये इसको it will allow it only half to go inside चाहे कैसे भी इसको आप इंटीरियर साइड से डालो चाहे पोस्टीरियर से डालो क्यों बिकॉज दिस इलॉन्गेट हिंज लाइन विल ब्लॉक ये इट विल ब्लॉक द स्पीरिफर टू कंप्लीटली गो इनसाइड है कि नहीं क्लियर हो रही है आप सोचो कि इसको अगर मैं इतने बड़े बड़ों में घुसाऊं तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा उल्टा भी डालू तो विल इट स्टॉप और नॉट सो इट शोज सेमी इनफॉर्म ठीक है क्लियर हुआ यहां तक सर एपिफोनल ऑन अटैच एपिफोनल ऑन अटैच अब जैसे मान लो आई हैव दिस ब्रैकियोपोडा विच let us say does not have the pedicle bone kyunki ye biconvex hai to burrow to nahi kar sakta but agar isko main aisa chhod dun so it is unattached it can be swayed by the undercurrents aage piche wo ho sakta lekin agar wo attached hai pedicle ke sath to bahut karega aisa vertical motion mein sway karega but pedicle isko hold kar lega so epiphonal attached epiphonal unattached and epiphonal recumbent teen prakar ke sakte sir isme jo pedicle hota hai ha pedicle hota hai jisme pedicle nahi hota wo unattached hota jisme pedicle hai wo attached epiphonal unattached orthis kar lo chahe tripa bol do सर पेडिकल सॉफ्ट पार्ट से बना पेडिकल एक मस्कुलर पार्ट सॉफ्ट पार्ट से ऑर्गेनिक मटेरियल से होता है इसलिए पेडिकल खत्म हो जाता है वंस द ऑर्गेनिज्म चलो ऑर्गेनिज्म चाहे उसको ग्राम में मतलब रख सकता है हाँ अंदर भी रख सकता है बाहर भी रख ठीक नाउ लेट अस लुक एट द वेज हाउ दीज शेप्स आर ऑब्टेन्ड ये जो शेप आया इलॉन्गेट है बाई कॉन्वेक्स है या अलग अलग शेप ये कैसे आए तो इसको जानने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द मोड्स ऑफ ग्रोथ इन ब्रैकियोपोडा जैसे हम लोगों ने प्रोटास्पिस मेरास्पिस मेरास्पिस और होलास्पिस देखा था जिस तरीके से ब्रैकियोपॉड्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रोथ अब इसमें प्रोटास्पिड मेरास्पिड और होलास्पिड आर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दे आर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ डोंट कंफ्यूज दे आर हर जो कैरापेस है इट विल गो थ्रू दीज स्टेज बट इन ब्रैकियोपोडा द डेवलपमेंट ऑफ आउटलाइन एंड फॉर्म इज बाय थ्री डिफरेंट वे सो वन ब्रैकियोपोडा में अंडर गो वन वे अदर में गो अदर वे ठीक है तो
Let me ask you a question. If I give you a simple diagram of a triangle SF and I ask you, you have to draw it in such a way that it does not get fat but it gets longer. So, aap isme kidhar ki taraf attach karte jaoge? मतलब मुझे इसको ऐसा बनाना इस ऊपर ऊपर पर ऊपर वाला ऊपर ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं? It will be going only in the vertical direction. It will not be going in the lateral direction. में growth नहीं होगा. अगर growth is only in the anterior direction, जो lateral margins हैं, अगर उसपे growth नहीं किया, and it grows only in the anterior direction, तो वो लंबा हुआ कि नहीं होगा? Elongate shape होगा ना? तो such a type of growth is called as hemiperipheral, half of the periphery. So how does it happen? It happens this way. Let us say this is the protoplasm. This is the protoplasm. Okay. So in the protoplasm, this will be the. This will first on इसको बढ़ा देता इतना बढ़ा देता. This is the protoplasm. P लिखा है. This is the posterior side. Remember, ये है इसका anterior side. And these two are the lateral sides. Yes or no? Yes. होगा ना? तो इस protoplasm में, if the growth is only in one direction and that too in the anterior side, we will get an elongate outline. Okay, so we get an elongate outline. Very common example is lingula. So this is the growth margin. तो अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफॉनल मोड ऑफ लिविंग इन ब्रैकियोपोडा. इट विल बी हेमिपेरी. वेरी गुड, हेमिपेरी. ठीक है, इसमें देयर इज नो ग्रोथ इन द पोस्टीरियर साइड. इसमें क्या हुआ? Growth margin is more towards anterior and slightly towards lateral. क्योंकि जैसे जैसे आप add करते जाओगे इसमें, तो lateral side it will also grow. Yes or no? अगर हमने सिर्फ anterior side में growth लगाया, posterior side में no growth. There is no accretion of material on the posterior side. तो क्या होगा? इसमें पोस्टीरियर में ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ एंटीरियर में होगी. तो थोड़ा बहुत लेटरल साइड भी ग्रो करेगी और एंटीरियर साइड ग्रो करेगी. बट इमेजिन दैट इफ यू गो ऑन एडिंग द मटेरियल इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ, तब क्या होगा? तब कुछ ऐसा होगा विच इज कॉल्ड एज होलोपेरिफेरल. होलोपेरिफेरल, जैसे इफ दिस इज द प्रोटोप्लाज्म, you keep on adding the material on both the sides and then you get weak umbo proper development and you get a convex structure. Understood? So this portion, ab kyunki kya hai, aapne kya kiya, ye jo अब जैसे ये है, इफ दिस वॉज द प्रोटोप्लाज्म, यू एडेड मटेरियल दिस साइड ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो, सो व्हाट इट विल हैपन, इट विल कीप ऑन गेटिंग कर्व, अल्टीमेटली यू विल गेट अ स्ट्रक्चर व्हिच विल फॉर्म द बीक. सो दिस इज कॉल्ड एज होलोपेरिफेरल. सो हेमी पेरिफेरल, नो अटैचमेंट टुवर्ड्स पोस्टीरियर साइड. होलोपेरिफेरल, इन हेमी पेरिफेरल नो अटैचमेंट इन द पोस्टीरियर साइड. Why? Holoperiphery attachment on all these sides. Okay. Just a terebratula is a common example.
मिक्सोपेरिफेरल, जिसमें लेटरल साइड इज बीइंग एडेड, एंटीरियर साइड इज बीइंग एडेड, पोस्टीरियर साइड इज बीइंग एडेड, बट द इंक्रीमेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड इज सो हाई दैट द शेल बिकम्स इनवर्ड कर्व. मतलब कि अगर आपने इसे बहुत ज्यादा इसको ऐड कर दिया तो ये शेल अंदर की तरफ ऐसे करके झुक जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज मिक्सोपेरिफेरल. ठीक, तो अगर होलोपेरिफेरल ग्रोथ है तो वो ब्रैकियोपोडा आपको कभी भी इनफॉर्मल मोड ऑफ लिविंग शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हेमीपेरिफेरल ग्रोथ है तो दे विल बी शोइंग यू द इनफॉर्मल मोड ऑफ लिविंग बिकॉज ऑफ देयर इलोंगेट शेप एंड आउटलाइन. इज इट ओके? इंक्रीमेंट और द एडिशन ऑफ मटीरियल ऑन पोस्टीरियर साइड इज सो हाई दैट द शेल बिकम्स इनवर्डली कर्व. ठीक, Brachiopoda have been important fossil group for the Paleozoic, and if you look at the geological history of the Brachiopoda, you will come to see this. So, जो तीन सब फाइला मैंने आपको बताया, Lingulliformin, Craniformin and Ringulariformin. ठीक, so Lingulliformin and Craniformin, they both they were inarticulate, while this was articulate. So इसके आप देखो lingulida, जिसमें lingula आता है, it is extant. Craniformin में cranida is also extant, while craniopsida and trimeralida ये दोनों extinct groups. ठीक है, craniformin. While in lingulliformin, sorry, ringulariformin, we have this ringulella and the terebratula. ये दो extant groups हैं, Rinconelida and terebratula. बाकी सारे के सारे extinct हो गए हैं. तो अगर आप common देखोगे, जैसे Productus, Strophomerida, इसको और Spiriferida, ये तीन important groups हैं which got extinct during the Paleozoic. So most of the Brachiopoda they got extinct during the Paleozoic. Except Lingulida, Cranida, Rinconelida and Terebratula. Spiriferida, it got extinct during the Triassic. So, उस हिसाब से you can understand the geological history. So, most of them they appear during the Cambrian. देखिए, can you see that? Pentamerida, Orphida, Proto-Orphida. Then you have this Lingulida, Batamerida. So, all of these groups they have got diversified during the Paleozoic, but with time their acme reached and only four groups of Brachiopoda they remain, which are extant into. Understood? So इसको आप बहुत सारे groups में आप देख लो, मैं भी आपको कुछ handouts दे दूंगा, so you can understand. Okay? शॉक एंड क्वेनहोफर में एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, हाउ द एडक्टर मसल्स, मतलब जो इनआर्टिकुलेट और आर्टिकुलेट वॉल्व्स शेल्स, हाउ डू दे ओपन एंड डिफरेंट मसल्स हाउ आर दे यूज. जैसे एक मसल खुलता है दूसरा बंद होता है, या एक में एक्सटेंशन है दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन है, देन शेल क्लोजेस. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, बट आई डोंट थिंक when we are doing functional morphology आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत है, but still if you are interested you can read it. In your practical तो आज नहीं हो पाएगा, but in your practical what you have to do, in your practical what you have